इजी ट्रिप प्लानर की। आज के दिन की बात करें तो मार्केट के गिरावट के साथ इजी ट्रिप में भी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 3% के ऊपर का फॉल हमको फिलहाल स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है, गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि इजी ट्रिप अपने इस लो को भी ब्रेक डाउन करता नज़र आ सकता है और फाइनली उस लो का हमको इजी ट्रिप ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से और गिरावट के चांस अब स्टॉक में बनते नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपने रिसेंट सपोर्ट लो को जहाँ से बड़ा जंप दिखाया था जिस सपोर्ट से उसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। और हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 32 और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 30 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस और रेडी कर चुके थे। 32 के सपोर्ट पर सपोर्ट ले रहा है। चार्ट पैटर्न देखिए, एक जंप आया, गिरावट, छोटा मोटा जंप, अगेन गिरावट, लो ब्रेक डाउन, छोटा मोटा जंप, गिरावट और लो ब्रेक डाउन। तो यहाँ से इजी ट्रिप अप लो और लो चार्ट पैटर्न के साथ हमको गिरावट दिखा रहा है। तो इसमें अब थोड़ा सा इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा क्योंकि और गिरावट इजी ट्रिप में हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। नीचे की ओर 30 का सपोर्ट मेजर सपोर्ट रहेगा, इस लेवल से फिर खेल के पलटने के चांस बनेंगे। ब्रेक डाउन कर जाता है तो 28 तक का भी फिर फॉल दिखा सकता है। अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है, मार्केट रिकवरी दिखाता है तो ऐसी सिचुएशन में इससे पहले कहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, 34 का लेवल इमीडिएट टारगेट, ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट डे जो इसका हाई है 38 का लेवल, 37-38 का लेवल। जब तक इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन नहीं होता एटलीस्ट 38 के ऊपर, तब तक यहाँ से इजी ट्रिप में अपसाइड नज़र आना मुश्किल है। तो 38 के लेवल पर हमको नज़र रख कर चलना इम्पोर्टेंट है। 38 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर लगातार अप ट्रेंड में स्टॉक में हमको देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।